अंदर हो तो अंदर कोई नहीं डालिंग कैसा है डालिंग को ऑल वेल ऐसे कर रहे हीरो भी लग रहा है यार इन सब का प्यार हाउ यू डूइंग क्या बात है गुड ब्रदर आर यू रेडी हो सवाल जवाब आई एम रेडी एंड रेडी एंड रेडी कैसा है सब ये फुल पावर ठीक है ना अच्छा ये बटन पहनना चाहिए कि नहीं भाई अपने ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या टेंशन तू देख कभी बिग बॉस में तो उतारने वाले हाल थे बड़ा छोड़ देते हैं बाकी पहन भाई अच्छा था क्या स्टिंग स्टिंग वाज फैबुलस खुश है मैं फुल पावर खुश हूँ आई थिंक आई छोटा था बट वहाँ का अच्छा मज़ा था जिसने भी सुना है उसने ये कहा कि यार बहुत ही मज़ा आया इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग भाइयों से पूछना भाइयों कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस बिग बॉस में सच्चे दिल से बोलना बट थैंक्स सो मच यार विकास थैंक यू सवाल जवाब करेंगे बट वेल डन लोग कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्रेंस बोला जाता है ये क्या आपने सुना है कि नहीं किसको मिस कर रहे हो घर से भाई जिनको मिस कर रहा था उनके लिए वापस आ गया यार मैं बोल जो पूरा माहौल है ना घर का चाहे जितना भी लड़ाइयाँ हो जितने भी इशूज बट एक एनर्जी अलग है वो एक्सपीरियंस ना उसके लिए आपको बिग बॉस के घर में ही जाना पड़ेगा एंड आई मिस द मॉर्निंग टी जो हर कोई बनाता था कभी पीना तो कभी शालीन बनाते थे और दिन के पता नहीं एक अलग ही जोन है तो शिव को मिस कर रहे हो कि नहीं शिव को बाकी सब मिस कर लेते हैं मैं नहीं करता हूँ नहीं मेरे अभी और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको मिस कर रहा हूँ मैं वो बट ड्यू टू है मैं शिव की वजह से आउट हुआ यार जो सही में शिवा है ना मेरे भोलेनाथ उनका सिर मेरे पे हमेशा है हाथ मेरे सिर पे हमेशा है और कपड़ा पहन लिया देखिए ये बातें जो है इनके लिए छोड़ देते हैं जो बातें हैं पर थोड़ा कन्फ्यूजन है जो ठीक है मिस्टेक है आई एम श्योर आप सबके सामने ये भी इसकी रियलिटी बाहर आ जाएगी आ जाओ ना अरे आ जा गुंजन आ जा यार ऐसे क्या इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है भाई को हाँ ये मोहब्बत के लिए घर से बाहर आए हैं भाई ये मोहब्बत के लिए और मैंने सुना कि रोज अपने बीवी के पैर छूते जैसे दिखाओ कैसे छूते और देवर भी छूता ऐसे बीवी हो ऐसी तो अपने आप ताकत आती है ना भाई मिकल भाई एक छोटा सा बाइट कर लेते बोलो बंद कर मिकल जी काफी कमाल की जर्नी रही थी वाइल्ड कार्ड सबसे बेस्ट वाइल्ड कार्ड के रूप में आप आए काफी कुछ बिग बॉस में भी आप हाल ही में गए थे काफी कुछ धमाके किया वहाँ पे किस तरह से जर्नी के बारे में अगर कुछ बताना चाहो यार मेरा सिर्फ एक ही इंटेंट था कि पहले तो सबसे इज्जत प्यार से किया जाए क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा कलेश और लड़ाइयाँ करता है तो जो मैंने शुरुआत में बोला भी बट क्योंकि वो एक ऑप्शन है जो आपके पास कुछ जब नहीं बचता है तो वही आप एक्सरसाइज करते हैं बट हर किसी से मैं यही कहता था बट वहाँ की एनर्जी ऐसी रहती है जब आप क्लोज रहते हैं और सब दूसरा सिर्फ चीख के लड़ाई करके बात करता है और अपनी हद को पार करता है तो फिर कई बार ऐसा होना पड़ता है बट उन सब चीज़ों में चाहे वो गुस्सा हो प्यार परेशानी हो किसी से मन मुटाव है वो सब सच्चाई से करने की कोशिश की है मैंने और वही किया और अपना सीना ठोक कर छाती चौड़ी करके स्माइल करते हुए गया था और वैसे ही बाहर आया हूँ यही एक नियत में था और इसीलिए बाहर आया हूँ तो आप सबका प्यार इतना मिल रहा है आप सब इतने ऐसे हाथ खोल के मुझे गले लगा रहे हैं और खुशियाँ दे रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के एम्ब्रेस करता हूँ और ऐसे हाथ खोल के एम्ब्रेस करता हूँ और हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी स्टैंड छोड़ा था बट मज़ेदार था विकास साथी घर के अंदर मास्टरमाइंड कौन है आपको क्या लगता है आप में से कोई भी इसका जवाब जानता है साजिद खान आपको खुद का जवाब मालूम आ रहा फिर भी मुझसे विकास जी कहीं तक आपको ये नहीं लगा कि जितना भी समय आपने बिताया उस घर में जी काफी कम समय था और लोगों ने कॉपरेट नहीं किया अगर कोई कुछ थोड़ा सा कॉपरेट करते तो यू वुड हैव गॉन थोड़े से टॉप सिक्स पे तो आपको नजर आ ही रही थी आपको ऐसा नहीं लगा यार वो गेम के फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है आपको मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है क्या चीज़ें नहीं हैं और अब उससे सिनेरियो में क्या है कि आपके दिमाग जहन में और हाथ में जो है वो ये है जो मुझे लगा कि सच्चाई से समझ से खेलना और कॉल जो सही लगे उसको सही कहो जो गलत लगे उसको गलत कहो और ठोक कर इज्जत से प्यार से कहो
और वही मैंने किया। बिग बॉस में आपने शिव ठाकरे को एक नाम दिया है, क्या दिया है नाम? हमने प्रोमो में देखा एक नाम, बताइए क्या नाम दिया, बताइए तो। आपने ही दिया है सर। अरे पर बताइए तो क्या नाम दिया है? तो दिया था, अगर आप शिव ठाकरे की गेम के बारे में अगर कुछ बताना चाहे। देखिए बहुत ही एक ये ना गेम है, टू बी ऑनेस्ट, हम शायद बाहर इसको पर्सनली ले लेते हैं, बट हम घर में रहकर भी एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं हो तो कोई इसको दिल पे नहीं लेता। यस, यू नो आप एक दूसरे के साथ देखो, आप नॉमिनेट कर रहे हैं, इशूज़ हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बट उसके बाद फिर बैठ के साथ में ही खाना खाते थे सारे। बट 31st की मैं बात करूँ, जब पार्टी थी घर पे जी, जब शालिन और टीना फिर से नज़दीक आए तो लोग फिर वापस, बिग बॉस ने भी पूछा कि क्या लगता है, लोगों की राय ली, घर वालों की राय ली जी, उसमें आपकी क्या राय है, उसमें अगर आप कुछ बताना चाहें। मेरी राय ये है उसमें सिर्फ कि यार उनके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन है। यस, मेरे पास भी, मैंने भी बहुत कोशिश की उनका वो इज़्ज़त प्यार वो बनी रहे, और बीच में जो कन्फ्यूजन है वो हटी रहे, बट वो कन्फ्यूजन बरकरार रही, और आने के बाद अगर वो दिखा मुझे कि साथ में हुए हैं तो वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं एक दूसरे के लिए, और वो घर से बाहर निकलेंगे तो समझ आएगा कि वो कितनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं या नहीं हैं, क्योंकि जब बहुत सारी बातें ऐसी हैं चाहते हैं वो करना जो कैमरा के सामने हुआ नहीं रह कर पाते हैं। और ये बात आई थिंक शालिन ने बोली भी थी कि उन्होंने एक डेट रखी है फिनाले के बाद, जब वो मिलेंगे बाहर और फिर से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है, तो मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि फिर वो कैसे अनवील होता है और कैसा रिश्ता बनता है। जी वो कनन ना, उसकी आवाज़ देख कर सुनते ही मुझे मज़ा आ जाता है, मुझे लगता है क्या मज़ेदार आवाज़ है, फुल पावर बंदा है और फुल ऐसी फुल एनर्जी में चार्ज रहता है जैसे मैं रहता हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं जा रहा हूँ कनन के पास, सिद्धार्थ के पास, उससे मिलने, हग करने और उसको इंटरव्यू देने, और आप देखते रहिए। सिद्धार्थ भाई एक सवाल था, एक सवाल विकास, साथी जब किचन फाइट में अर्चना ने आपको कहा था कि आप बाप नहीं बन सकते जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार बहुत ही शर्मनाक है किसी के लिए कहना, और आप बाहर किसी को ऐसे कह देते हैं तो वो फिर तब भी उस बात को नहीं ले पाता है, और अगर ले भी हो तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो छोड़कर चला जाए इस बात को और आगे बढ़ जाए, बट जब आप एक आइसोलेशन में एक घर के अंदर बंद रहते हैं और आपने जिसके साथ कोशिश की हो कि ये सोचा हो कि यार उनके अंदर थोड़ी इंसानियत और सच्चाई है डिस्पाइट कि वो सबसे लड़ते रहते हैं या आर्ग्यूमेंट करती रहती हैं, तो मैंने वो उस एक छोटे से मोमेंट में उनके साथ ये सच्चाई शेयर कर ली थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, और उसके बावजूद भी अगर वो जब किसी से मनमुटाव हो तो वो उस बात को गंदगी में डुबो कर आपको फिर बदुआ देती हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये इंसान निहायत ही घटिया और छोटी सोच रखती हैं, और इस बात पे मैं ऐसे इंसान के साथ एक भी मिनट नहीं बिताना चाहता हूँ, तो जबकि उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं विश करूँगी, तो मुझे लगा कि यार आप इतना ज़्यादा गंदा कहती हैं, अगर आप उसके बाद किसी को सॉरी भी कहना चाहें ना तो उस पर आप पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि आप फिर मुड़ के दोबारा से कह देंगे तो आपके सॉरी का कुछ मायने ही नहीं रहते, तो ये है। थैंक यू विकास, नए साल की शुरुआत होने वाली है और अंत में एक बड़ी घटना हुई तनीषा शर्मा की, जी जी, काफ़ी झटका लगा पूरे इंडस्ट्री को, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं जैसे ही मेरा एविक्शन हुआ था और मैं यूज्ड टू हो रहा था चीज़ों के और इंसानों के और एनवायरनमेंट का, तो वो पहला इंटरव्यू, पहली न्यूज़ थी जो मैंने देखी है टीवी पे, और बहुत ही शॉकिंग था, मुझे लगता था कि वो दिखने में बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अच्छा काम करती थी, और मुझे लगा यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ, अब ये किसी को नहीं पता है कि क्या रीजंस रहे हैं उनके या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, बट आई एम वेरी शॉक्ड कि यार, शॉक के साथ ना बुरा लगता है कि यार आपको क्या कहें, मतलब आप समझ ही नहीं आता कि यार आप क्या कह सकते हैं किसी के लिए ऐसे, बट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को, स्पेशली यूथ को, कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं, बहुतों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ा नज़रिया बड़ा रखिए और हिम्मत रखिए अपनी प्रॉब्लम से डील करने की, और अपने माँ बाप और अपनी फैमिली को के साथ एकजुट होकर रहिए, क्योंकि जब आप वो रहेंगे जो जो पेड़
अपनी नींव के साथ हमेशा स्ट्रांग रहता है वो नहीं गिरता है। तो प्लीज़ भरोसा कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप नहीं समझ रहे हैं आपको, या उनको आप नहीं समझाना चाह रहे हैं, या किसी भी और रीज़न से उनको दुख होगा या वो भी, एट दी एंड ऑफ इट वो माँ बाप हैं। और अपने दोस्तों को पकड़िए जिनके ऊपर आपको विश्वास है, बट वो पकड़ के रखिए रिश्तों को, और आप कोई भी परेशानी हो उससे बाहर निकल सकते हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक लाइफ है, साथ में रहिए, इज्जत प्यार बना के रखिए। ये मैं आप सबसे भी चाहता हूँ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है अराउंड कि लोगों को लगता है कि वो अकेले हो गए हैं और क्या मायने हैं, और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। बट फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत है, हम ढूंढते हैं तरीके और रीजंस कि उनको वो आउटलुक दे पाए ज़िंदगी की तरफ, और आप भी दीजिए और हिम्मत मत हारिए। प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हो गया हो गया, हाँ एक मैडम के साथ में, मैम को बोला बात ही नहीं, मेरी बात तो कर ले, मैं तुझे तो डरता हूँ उनसे, चलो कोई नहीं, चलेगा, थैंक यू गाइस, चलो।